हाय फ्रेंड्स, तो हम फाइनली घर पे आ गए हैं सारा सामान लेकर और काफ़ी अच्छे से शॉपिंग की है हमने। ऑलमोस्ट 3 ट्रॉलीज तो फुल हो गई थी अच्छे से। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बिल दिखाती हूँ। तो ये है हमारा टोटल बिल, और टोटल अमाउंट हमारा जो आया है बिल का, दैट इज 12,778। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर क्लियर होगा तो। यही सेम चीज अगर मैं बाहर किसी भी सुपरमार्केट से लेने जाती तो आराम से प्राइस 15,000 क्रॉस कर जाता, लेकिन काफी ऑफर्स थे तो अच्छे से हमने ये चीजें लाई हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिस्किट की। तो यहाँ पे मारी लाइट बिस्किट ये हम लेकर आए हैं। ये चाहिए ही होता है स्पेशली टी के साथ। सेकेंड बिस्किट ट्रैक चैक, क्रैक जैक का एक पैकेट हमने यहाँ पे लिया है। आगे बढ़ते हैं, मोनाको बिस्किट एक पैकेट लिया है, पार्ले जी एक पैकेट लिया है। यहाँ पे हमने ये बोर्बन के 4 पैकेट्स लिए हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी गोल्ड फैमिली पैक का एक पैकेट लिया है हमने यहाँ पे, और ये ब्रिटानिया का मिल्क बिस्किट हम लेकर आए हैं। तो ये तो हो गए बिस्किट्स, बढ़ते हैं दूसरे चीजों की तरफ। तो यहाँ पे केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स है यहाँ पे जो हम लेकर आए हैं, हनी और आलमंड वाला। ये 1 kg का पैकेट है। और यहाँ पे है हमारे पास केलॉग्स चॉकोस, ये भी 1 kg का पैकेट हमने लिया है। बिस्किट में एक मैं बताना भूल गई, रह गया, दैट वाज ये जिम जैम बिस्किट। तो यहाँ पे जिम जैम के मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं। ये इंस्टेंट गुलाब जामुन पैकेट लिया है मैंने, इससे आप बहुत ही क्विक और इंस्टेंटली गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो आपको रेडीमेड पाउडर मिल जाता है, उसको बस डो रेडी करके बनाना पड़ता है। इसका मैंने वीडियो डाला है बाय द वे। तो ये भी हमने ले लिया है क्योंकि इसकी जरूरत भी पड़ी जाती है क्विक डेजर्ट के लिए। ये हम कैडबरी जेम्स के 3 बॉल्स लेकर आए हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम ये टिक टैक लेकर आए हैं, रेड एप्पल, ऑरेंज और मिंट फ्लेवर, 3 फ्लेवर के, अलग अलग फ्लेवर के हमने 3 टिक टैक लिए हैं। यहाँ पे मैंने फालूदा मिक्स लाया है, एक तो है रोज फ्लेवर और दूसरा है पिस्ता फ्लेवर। तो ऐसे मैंने 2 ले लिया है फालूदा बनाने के लिए। तो ये एक चीज हम लेकर आए हैं। हम ये याकूल्ट का पैकेट लेकर आए हैं, पैक ऑफ 5 है ये। ये हमने लिया है यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड टू शरबत। तो यहाँ पे हमने मलास का रोज सिरप लिया है, ये हमें वाटर में मिक्स करके पीना होता है। तो ये हमने एक लिया है वाटर रोज फ्लेवर। यहाँ पे सेम ब्रांड का मलास का हमने ऑरेंज क्रश लिया है, और रू अफ़ज़ा के 2 बॉटल्स हमने लिए हैं। तो ये रू अफ़ज़ा के बॉटल यानी के 4 हमने यहाँ पे जूस के बॉटल्स लिए हैं जो आप वाटर के साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वाटर के साथ ले लें, आप मिल्क के साथ ले लें, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं। आइसक्रीम के साथ भी आप ये, स्पेशली रू अफ़ज़ा तो काफ़ी काम आता है आइसक्रीम के ऊपर डालने के लिए, या फिर किसी भी तरह से गार्निश करके डेजर्ट को देने के लिए। तो ये हमने लिया है। और यहाँ पे हमने स्लाइस का 1.75 लीटर का बॉटल लिया है। हमने जीरो मसाला ड्रिंक लिया है, ये 2 लीटर का बॉटल है। अब बढ़ते हैं दूसरी चीजों की तरफ। तो यहाँ पे हमने डार्क सोया सॉस की बॉटल ली है, एक रेड चिली सॉस की बॉटल ली है, एक चाइनीज के लिए तो ये चाहिए ही होती है घर में, और यहाँ पे है ग्रीन चिली सॉस की बॉटल। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 3 चाइनीज स्पेशल, ये 3 बॉटल्स ले ली हैं। यहाँ पे ओडोनिल का रूम फ्रेशनर हमने लिया है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग प्योरली नीडेड। फिर यहाँ पे हमने वेज मेयो के पैकेट्स लिए हैं, 2 पैकेट्स हमने यहाँ पे वेज मेयो के लिए हैं, और होम शेफ का टमेटो सॉस लिया है हमने यहाँ पे।
टमेटो केचप है एक्चुअली, सॉरी। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट हमने ये प्यूरो हेल्दी सॉल्ट लिया है। ये एक्चुअली मंथली हमें दो पैकेट्स लगते हैं, बट एक पैकेट ऑलरेडी था इसलिए हमने सिर्फ एक पैकेट सॉल्ट का लिया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने एवरेस्ट का कोरिएंडर पाउडर लिया है और साथ ही साथ अंबारी, सुहाना अंबारी का एक कोरिएंडर पाउडर लिया है। तो ये है अराउंड 500 ग्राम का पैकेट है और ये भी 500 ग्राम का पैकेट है, तो अराउंड 1 kg हमारे पास कोरिएंडर यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने मसूर दाल ली है जो कि है 500 ग्राम, और ये जो आपको ग्रीन कलर के ऐसे लाइंस में पैकेट दिख रहे हैं वो स्पेशली डीमार्ट के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये मसूर दाल हमने ली है। हम मोस्टली पैकेट वाली ही चीजें लेते हैं, वो छुट्टी चीजें नहीं लेते हैं बिकॉज प्रेफरेबल लगता है पैकेट्स में लेना। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे उड़द दाल ली है 1 kg, साबूदाना जो ब्रेकफास्ट में लगता ही है, मंथली एक पैकेट तो एटलीस्ट लगता है, तो ये हमने 1 kg यहाँ पे लिया है। चना दाल 1 kg ली है। बेसन की काफी जरूरत पड़ती है और स्पेशली अभी रमजान काफी करीब है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 बेसन के पैकेट्स लिए हैं 1 kg के। तो ये रहे बेसन के 3 पैकेट्स जो हमने लिए हैं। नेक्स्ट हमने ये मैदा लिया है, ये भी 2 kg मैदा यहाँ पे हमने लिया है। रवा हमने लिया है यहाँ पे, यानी कि सूजी 1 kg सूजी ली है यहाँ पे माया की। और यहाँ पे हमने शुगर लिया है, 5 kg का पैकेट है ये। यहाँ पे शाही मिक्स हमने नमकीन ली है, ये नमकीन काफी टेस्टी होती है तो हमने ये पैकेट ले लिया है। ये बालाजी वेफर्स लिए हैं हमने, क्रीम एंड अनियन मेरा फेवरेट है इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो इसको मिस नहीं करती। पे तुअर दाल लिया है 1 kg। ये हमने वेफी के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के वेफर रोल्स लिए हैं, ये काफी डिलीशियस लगता है तो हमने ये भी ले लिया है। इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी होता है तो आप वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है। और डीमार्ट में ये ऐसे टाइप के जो डब्बे होते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं, हमने पहले भी लाया है ये कई बार और काफी कन्वीनियंट होते हैं इस तरह के डब्बे। पैक ऑफ 5 का ये डब्बा मिल रहा था 119 रुपीज में, तो हमने ये ले लिया है। और ये भी एक और पैकेट मम्मा ने लिया है क्योंकि ये मम्मा को किसी को गिफ्ट करना है, तो ये भी एक पैक ऑफ 5 का पैकेट है। और हाँ, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, काफी अच्छा है तो आप आग बंद करके इसको ले सकते हैं। और हमने कुछ ड्राई फ्रूट भी ले लिए हैं रमजान के हिसाब से भी और नॉर्मली भी जो लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अखरोट लिया है, ये जानबूझकर हमने इस तरह से लिए है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है इसे फोड़ना और उसमें से अखरोट निकालना, इसलिए हमने ये वाले अखरोट का पैकेट लिया है। ये 1 kg का पैकेट है। हमने यहाँ पे लिया है काजू, तो काजू के यहाँ पे हमने 2 पैकेट्स लिए हैं, तो ये 1 kg का काजू हमने यहाँ पे लिया है। और बादाम के भी हमने 2 पैकेट्स लिए हैं, तो यहाँ पे 1 kg हमने यहाँ पे बादाम लिया है। और खजूर का यहाँ पे हमने 1/2 kg का पैकेट लिया है, सूखा खजूर है ये, तो ये हमने ले लिया है यहाँ पे। और पिस्ता हमने लिए हैं, प्लेन पिस्ता है ये विदाउट कवर वाला। यहाँ पे हमने चिरौंजी का पैकेट लिया है, किशमिश का हमने 1/2 kg का पैकेट लिया है यहाँ पे। और मखाना के हमने 2 पैकेट्स लिए हैं यहाँ पे। मोस्टली ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम की ज्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए हमने वो ज्यादा क्वांटिटी में लिया है एज कम्पेयर टू बाकी की चीजें। और यहाँ पे हमने स्पाइसेस की शॉपिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे इसलिए हमने थोड़े बहुत स्पाइसेस लिए हैं। यहाँ पे हमने बड़ी इलायची का पैकेट लिया है, यहाँ पे हमने सौंफ का पैकेट लिया है और यहाँ पे हमने छोटी इलायची का पैकेट लिया है। और हाँ, यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स का भी एक पैकेट लिया है, पहले भी हम ले चुके थे एक पैकेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रमजान आ रहा है तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये इसका एक पैकेट ले लिया है हमने।
हालांकि ये शॉपिंग हमने रमजान के हिसाब से नहीं की है, बस थोड़ा बहुत सामान जो समझ में आ रहा था वो रमजान के हिसाब से ले लिया है, बट रमजान की शॉपिंग करने के लिए फिर से तो जाना ही पड़ेगा एक बार। अभी है थोड़ा वक्त रमजान में, तो हम उससे पहले एक बार और शॉपिंग करके आएंगे। और बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं उनकी तरफ। तो हमने यहाँ पे हमने विम लिक्विड लिया है, डिश वॉशर, 750 ml का ये बॉटल है। सफोला का ऑयल लिया है यहाँ पे हमने, ये ऑफर में था हमें इस कितने का है ये पाई हम 1150 का होगा शायद, 1150 1100 का कुछ था ये। और इसके साथ ये कितने लीटर का होगा, 5 लीटर का है ये। और इसके साथ हमें 1 लीटर का पैकेट सफोला का फ्री मिला है, तो ये हमने सफोला का यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल की काफी जरूरत पड़ती है मैंने, तो ऑयल तो लगता ही है। सोप हमने यहाँ पे माइल्ड एंड क्लियर का सोप लिया है। वैसे हम हमारे घर में मतलब मोस्टली बच्चों के लिए अलग टाइप का सोप यूज होता है और बड़ों के लिए अलग टाइप का सोप यूज होता है, यहाँ तक कि मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग सोप यूज करते हैं हम लोग, बट बाकियों के सोप्स ऑलरेडी थे तो ये हमने नॉर्मल वाला सोप ले लिया है। तो यहाँ पे अच्छा ऑफर मिल रहा था सोप पे, तो हमने यहाँ पे 2 पैकेट सोप के लिए हैं और इस पैक में भी 3-3 सोप है, तो यहाँ पे टोटल 6 सोप्स हमने लिए हैं। विम बार की जरूरत पड़ती है बर्तन धोने के लिए, तो हमने यहाँ पे विम बार लिया है। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 विम बार के विम बार्स लिए हैं। यहाँ पे हैंड एड का हमने यहाँ पर हैंड वॉश लिया है, इस पे काफी अच्छा ऑफर मिल रहा था 1 buy 1 get 1 का, तो हमने ये ले लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है हार्पिक का टॉयलेट क्लीनर, तो ये भी हमने 1 liter वाला ये एक लिया है। ये मैं आपको उठाकर नहीं दिखा रही हूँ, ये काफी हैवी है। आशीर्वाद का आटा लिया है हमने, 10 kg का पैकेट है ये, तो ये आटा हमने लिया है। राइस ऑलरेडी थे, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी थी पहले से, तो हमने वो चीजें वापस से नहीं ली, तो जो चीजें नहीं थी हमने वही चीजें खरीदी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमने लिया है फिनेल की बॉटल। तो ये हो गई कुछ चीजें, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये कुछ बैटरीज चाहिए थी हमें घड़ी के लिए और वेट मशीन के लिए और काफी सारी चीजों के लिए, तो यहाँ पे हमने इसका पैकेट भी ले लिया है। और इनका प्राइस 1050 सफोला ऑयल का प्राइस, हाँ 1050 इसका सफोला का 5 लीटर का पैकेट मिला है हमें, प्लस 1 लीटर फ्री मिला है, तो अच्छा ऑफर था इस पे। तो ये चीज अमूल चीज क्यूब का हमने पैकेट लिया है, 1 kg का पैकेट है ये। मैं आपको एक दिखाई देती हूँ खोलकर, तो यहाँ पे काफी अच्छी पैकिंग है, गली नहीं रहा था। ओके, तो इस तरह की क्यूब से यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है इस पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 kg के ये अमूल क्यूब से यहाँ पे। इसके अलावा हमने अमूल डाइस चीज भी लिया है, ये भी 1 kg का पैकेट है और ये काफी कन्वीनियंट होता है कि भी ग्रेटेड है ये। फिर हमने लिए है मकेज के फ्रेंच फ्राइज, तो ये भी हमने 1 kg का पैकेट ले लिया है। चीज में हमने अमूल चीज ये स्लाइस भी लिया है, स्लाइस ही है ना, हाँ 20 slices है इसमें, तो हमने ये भी एक ले लिया है। और हमने यहाँ पे मिल्की मिस्ट की पनीर ली है, तो यहाँ पे 2 हमने पनीर के पैकेट्स लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हमें कट करना होगा पनीर बनाते वक्त, तो यहाँ पे पनीर के ऐसे हमने 2 पैकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट हमने लिए हैं यहाँ पे मशरूम का पैकेट एक लिया है, मशरूम की सब्जी काफी टेस्टी बनती है, आप ही ट्राई करिएगा, तो ये मम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है इसकी सब्जी, तो हमने इसका एक पैकेट ले लिया है। और नेक्स्ट है ये श्रीखंड हमने लिया है, तो अमूल का श्रीखंड है ये,
तो हमने दो फ्लेवर्स में लिया है, एक तो केसर फ्लेवर में लिया है और दूसरा मैंगो फ्लेवर में लिया है। तो इस तरह से हमने दो श्रीखंड के पैकेट्स लिए हैं। हमने कुछ फुटवेयर की भी शॉपिंग की है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये वाला फुटवेयर लिया है, ये हमने छोटे वाले के लिए लिया है, मेरे छोटे भाई के लिए, और ये लिया है बड़े वाले के लिए। तो ये एक लिया है और ये नानी के लिए फुटवेयर लिया है मैंने, तो ये नानी पहनेंगे। और मैंने और दो फुटवेयर ली हैं और वो सेम लिया है, सिर्फ साइज में अलग है। तो ये मैंने इस तरह के फुटवेयर लिए हैं, ये मैंने मम्मा के लिए लिया है हमने, और ये हमने मेरे लिए लिया है। तो ये दो फुटवेयर लिए हमने से, तो ये भी हमने लिया है, ये एक ये मम्मा के लिए लिया है। वैसे तो हमको ऐसे टाइप के शूज फ्लैट वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो आजकल मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं इसलिए उनको ये शूज ऐसे वाले लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हमने ये भी ले लिया है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं जब भी दिमाग जाती थी मैं हमेशा सोचती थी कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं, बट कभी मौका ही नहीं मिलता था। आज फाइनली ये मौका मिल गया है इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके कोई भी सजेशन है शॉपिंग को लेकर, चैनल को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय। मारी गोल्ड याकूल्ट का पैकेट हम लेकर आए हैं। ये हमने जीरा का बॉटल लिया है, ये है जीरा नहीं वो प्योरो का हेल्दी सॉल्ट का पैकेट हमने तो हमने तुअर दाल लिया है वन के टू टू हमने यहाँ पे यहाँ पे ये विम सिरप लिया है जो हम सिरप